गुड मॉर्निंग टू ऑल. माई सेल्फ बलराम पांचाल. आई एम अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 5th ऑफ वर्क एनर्जी पावर. टूडेज टॉपिक इज एनर्जी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में. देखो बच्चों, हमें पता है एनर्जी क्या है, कि हम डेली कितना वर्क कर रहे हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, वही हमारी क्या होगी, एनर्जी. एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क. वही क्या होती है बच्चों, हमारी एनर्जी. द एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन द वेरियस फॉर्म सच एज मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा. एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में. हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो क्या है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी. तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी. थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको. मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. की अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजिशन और मोशन की वजह से एनर्जी गेन करती है या एनर्जी पोजेस करती है, वही क्या होती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. देखो बच्चों, जो वर्क क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल होती है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML स्क्वायर T इनवर्स 2. तो एनर्जी भी क्या है, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो एनर्जी की जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल. तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल. और एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. और वर्क भी कौन सी क्वांटिटी थी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी. तो इसकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल. अब हमें देखना है एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू इस पोजीशन एंड मोशन, वो क्या कहलाती है, हमारी एनर्जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो जो एनर्जी पोजेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये किसका कॉम्बिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का. तो हमें जो आज डिस्कस करना है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी. अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. किसके द्वारा पोजेस किए हो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. जैसे मान लो कि यहां सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास क्या है, m है. अगर ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और मोशन करते करते ये कहां पे आ गए, यहां पे. तो उसके मोशन की वजह से इस बॉडी में जो एनर्जी गेन हुई है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला मिलता है क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर. ये हमने काइनेमेटिक्स में देखा था, ये फॉर्मूला किसमें देखा था हमने, काइनेमेटिक्स में. टेक अ स्क्रीनशॉट. काइनेटिक एनर्जी देख लिया, अगर कोई भी सिस्टम है हमारे पास, मान लो यहाँ पे सिस्टम है, अगर इसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम हो, पार्टिकल है और उसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है. जैसे मान लो ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर है और पैसेंजर ट्रेन के अंदर ही चल रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. जैसे मान लो इसकी V1 है, इसकी V2 है, इसकी V3 है, इधर भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी. तो सबकी जो वेलोसिटी है वह क्या है, डिफरेंट है. और जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या होगी, तो अगर हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे, इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे, जैसे मान लो बस में बहुत सारे पैसेंजर हो या ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर हो और वो ट्रेन के अंदर ही घूम रहे हो,
तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग। तो अगर सबकी वेलोसिटी अलग है तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल बॉडी या ऑल पार्टिकल आर डिफरेंट। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। तो हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम एन और वी एन का स्क्वायर। ये क्या होगी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबकी एयर होगी। तो नेट जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो आर एम आई वी आई का स्क्वायर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी जिसका मास एम है बॉडी का, वो मोशन इस तरफ कर रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ था। अगर मान लो ये पार्टिकल बाद में इस तरफ मोशन करता तो वेलोसिटी इस तरफ होती। तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास तो क्या है, हाफ एम ई स्क्वायर। अगर हम इस तरफ की डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ की डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं हम, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं तब भी क्या होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर मान लो हमने इस तरफ की डायरेक्शन को क्या माना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मान लो एक ट्रेन है, एक कंपार्टमेंट में एक बंदा बैठा है यहाँ पर, सामने इसके बंदी बैठी है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं बी। अभी ट्रेन चल रही है वी वेलोसिटी से, और यहां पे प्लेटफॉर्म पे दूसरा बंदा खड़ा है, इसका नाम दे देते हैं हम सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही ए की वेलोसिटी है, और जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही किसकी वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी है। बट अगर सी इन्हें देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या होगी, वी होगी। बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी, जीरो होगी। अगर ये ए इसको देख रहा है, ये मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से, लेकिन ये दोनों ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, रेस्ट पे है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, यहां पे लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ए को बी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। बट अगर सी देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या होगी, वी। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी बंदा खड़ा है तो ट्रेन के जो पैसेंजर दिखाई देंगे उसे कैसे देंगे, मोशन में। बट जो ट्रेन के अंदर ही बैठा है उसके सामने वो कैसा दिखाई देगा, उसे रेस्ट में। तो ए के अकॉर्डिंग बी की वेलोसिटी जीरो होगी, तो ए के अकॉर्डिंग बी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। बट सी के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी, जीरो। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और बी विद रेस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है पॉइंट, ए को बी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारे सामने जो भी पैसेंजर बैठा होगा हमें कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में। तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। बट बाहर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कि जितनी ट्रेन की स्पीड होगी या वेलोसिटी है उतनी ही क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चों हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी, लीनियर मोमेंटम, और इसका सिंबल क्या है, पी।
तो P इक्वल टू क्या होता है एम वी, वे M इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आप एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या है आप एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को देखो, अगर हम इस इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एम से एम कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैथमेटिकली हमने क्या किया है, इसको एम से डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब यहां से देखो बच्चों, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि P इक्वल टू क्या है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप P स्क्वायर अपॉन M। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिल रही है यहां से आप P स्क्वायर M, इसको सोल्व करो तो यहां से क्या मिलेगा P स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टू M। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या हो गया रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। ये किसके किसके बीच में रिलेशन देखा हमने, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। एक बार से फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम क्या है पी इक्वल टू एम वी, काइनेटिक एनर्जी क्या है आप एम वी स्क्वायर। मैंने इसको क्या किया है एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया आप एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और एम वी इक्वल टू क्या है पी है, तो ये क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो यहाँ से पी स्क्वायर कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी टू एम, तो पी क्या मिला हमें रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। एक इसके बीच में रिलेशन हुआ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। टेक अ स्क्रीनशॉट, देखो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, किसी बॉडी का मास हमारे पास क्या है मास एम इक्वल टू 0.8 kg, एक गिवन डाटा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। हैज इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 3 ik माइनस 4 jk मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रूट 3² प्लस 4² तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमें कितना मिलेगा रूट 25, ठीक। आगे देखो एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें माइनस 6 jk प्लस 2 kk। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हो जाएगा 6² प्लस 2², तो ये कितना मिला हमें 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना मिल जाएगा हमें रूट 40। तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, हमसे क्या पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उसका मास तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा एम, बट वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज, ये क्या है सॉरी यहाँ पे क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों हाफ एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप, मास कितना है 0.8 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है रूट 40 और इसका भी स्क्वायर माइनस रूट 25 स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.4 रूट 40 स्क्वायर 40 माइनस रूट 25 स्क्वायर 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहां से हमें काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 6 जून। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला गया है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। बाकी हमें मास भी दिया हुआ है 0.8। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है? 6 जून। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो तो सेकंड एग्जांपल, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो बॉडी दे रखी है हमें ए एंड बी। मान लो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। ये बॉडी कौन सी है? ये बॉडी कौन सी है? बी। इसका ए का मास दे रखा है हमें 3 और बी का मास दे रखा है हमें 1। ये इनके बीच में रेशियो है, ठीक है बच्चों। पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, बट इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 है, और K1 इक्वल टू क्या है? K2 है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ B2A। हमें मोमेंटम का रेशियो निकालना है B2A, मतलब जो हमें मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है? मोमेंटम ऑफ B2 मोमेंटम ऑफ A। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब हमसे बोला है दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आफ mv2। और यही से हमने रिलेशन में देखा था, ये कितना हो गया था? काइनेटिक एनर्जी p2/2m। तो हम क्या करेंगे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ठीक है। तो मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगी? P मोमेंटम ऑफ A अपॉन 2 और मास ऑफ A। ठीक वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ B मोमेंटम ऑफ B अपॉन 2 और मास ऑफ B। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दो। इक्वेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या है? पी ए स्क्वायर अपॉन 2ma। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या है? पी बी स्क्वायर अपॉन 2mb। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो पी ए स्क्वायर अपॉन पी बी स्क्वायर इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी। तो यहां से कितना हो जाएगा? पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू मास ऑफ ए कितना है? 3। तो ये रूट में आ जाएगा। ये स्क्वायर को हटाएंगे हम, तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी? रूट में। तो यहां से कितना मिलेगा हमें? मास ऑफ ए कितना है? 3। और मास ऑफ बी कितना है? 1। पर देखो ये जो रेशियो हमें मिला है किसका मिला है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। बट हमसे रेशियो किसका पूछा है? b:a, लीनियर मोमेंटम ऑफ b:a। तो इसको उल्टा कर दो, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ b:a लीनियर मोमेंटम ऑफ ए। तो कितना मिल जाएगा हमें? 1/√3। कितना मिला हमें? 1/√3। इसमें कुछ नहीं था, हमें रेशियो दे रखा है मास का और लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना था। तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो हम निकाल चुके हैं, जो हमने रिलेशन देखा था उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन रखी और दोनों को कंपेयर किया हमने, और दोनों से क्या निकाला हमने? लीनियर मोमेंटम ऑफ बी टू द ए। कितना मिला हमें आंसर? 1/√3। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।